back friends in my channel ASW Education. So today we will discuss the transfer function of DC motor. उसमें हम पढ़ेंगे आर्मेचर कंट्रोल मेथड. मैंने इसके पहले फील्ड कंट्रोल मेथड डिस्कस कर चुकी है जो कि कुछ 6 months पहले मैंने डिस्कस की है, तो आप मेरे वीडियोस में चेकआउट कर सकते हैं और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा. तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, आज का सेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफर फंक्शन के लिए हमें एक डायग्राम लगेगा, सर्किट डायग्राम. तो ये कुछ ऐसा रहेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा, यहाँ पे इंडक्टेंस रहेगा, देन मोटर, देन ये रहेगा अपना फील्ड. ओके, सो फील्ड में ये फील्ड का रेजिस्टेंस है, ठीक है. सो ऐसा है तो अपन, जैसे कि मैंने फील्ड कंट्रोल मेथड में डिस्कस किया है, हम ये टॉपिक में भी हम स्टेप वाइज जाएंगे, ठीक है. तो स्टेप वन क्या कहता है कि अप्लाई KVL इन आर्मेचर वाइंडिंग. ये आर्मेचर वाइंडिंग है, ये फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है. तो अपन यहाँ पे जब KVL अप्लाई करते हैं तब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, जब यहाँ से करंट जाएगा तो ये टोटल E तो आएगा पॉजिटिव, E पॉजिटिव आ गया. उसके बाद में IA इंटू RA का मल्टीप्लिकेशन, और ये अगर अपन ने E को पॉजिटिव लिए तो सारे निगेटिव आ जाएंगे क्योंकि ये ऐसा लूप बन रहा है, ठीक है. तो IA RA माइनस LA डी बाई डी टी आए, क्योंकि ये इंडक्टेंस है. तो इंडक्टेंस में आप सभी को पता होगा कि डी बाई डी टी टर्म आती है, माइनस ई बी. तो ई बी क्या है, ई बी मोटर का ई एम एफ है, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो, ठीक है. अब हम इसे सम अप करेंगे, ई माइनस ये ई बी, ये ई और ये ई बी जैसे का वैसे रहेगा, बाकी पूरे टर्म्स हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे. फिर हम क्या करेंगे, इसका हम करेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म, लैपलास ट्रांसफॉर्म करेंगे. तो E का बन गया E बाय एस, ई ऑफ एस सॉरी, ई बी का बन गया ई बी ऑफ एस, सब में हम S की टर्म्स ऐड कर देंगे क्योंकि लैपलास ट्रांसफॉर्म. और D बाय डी टी का तो लैपलास हमें पता होता है, S इंटू जो टर्म होती है वो, ठीक है. तो ये हम टर्म यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, I ऑफ S को कॉमन निकाल देंगे. तो ये I ऑफ S यहाँ पे कॉमन हो गया, ठीक है. तो हम फिर क्या करेंगे, ये जो टर्म है ये यही साइड में रखेंगे, और ये जो कॉमन हम ये निकालने के बाद ये टर्म जो बचती है हम इसे ये साइड में लाएंगे. तो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है इसके साथ, तो ये जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल्स टू आई ऑफ एस, इक्वेशन हम इसे वन देंगे. तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सभी स्टेप सॉल्व करने के बाद में एक डायग्राम बनाएंगे क्योंकि हमें लास्ट में एक बहुत बड़ी डायग्राम की रिक्वायरमेंट होती है. तो हम हर एक स्टेप के बाद में हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है. तो ये डायग्राम कैसे बनती है, यहाँ पे एक समर लगेगा, इसमें क्या है, इनपुट ई ऑफ एस है जो कि पॉजिटिव है, ई बी ऑफ एस क्या है, यहाँ पे क्लियर मैंने लिखा नहीं है, ई बी ऑफ एस क्या है, निगेटिव है. तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ठीक है. फिर क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आएगा. और टोटल आउटपुट क्या जा रहा है, यहाँ पे आउटपुट रहता है, ये साइड में हम आउटपुट देखेंगे. ओके, तो आउटपुट क्या है, ई ऑफ एस, ठीक है. ये एक डायग्राम हो गई, मैं सेकंड टॉपिक के पास जाता हूँ अभी. सो स्टेप टू, अभी स्टेप टू रहेगा. स्टेप टू क्या कहता है, टॉर्क इक्वेशन टी एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई, एस फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड करंट, टी एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एफ फील्ड करंट एंड उसका प्रोडक्ट आई, ठीक है. इन आर्मेचर कंट्रोल मेथड आई एफ कॉन्स्टेंट होता है. फील्ड कंट्रोल मेथड में भी अपन ने पढ़े हैं, वो आप एक बार वीडियो चेक कर लेना, उसमें क्या कांस्टेंट होता है क्या नहीं. सो आर्मेचर कंट्रोल मेथड में आई एफ कांस्टेंट होता है, ठीक है. तो टी एम आई एफ की जगह हमने लिख दिया के, जो कि कांस्टेंट है, और इंटू आई. फिर क्या करेंगे, हम इसका भी लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेंगे, जैसे हमने ये पेज पे देखा था लैपलेस ट्रांसफॉर्म, इसका भी लैपलेस ट्रांसफॉर्म हम लेंगे. टी एम ऑफ एस और इसका आई ए ऑफ एस, सिंपल लैपलेस ट्रांसफॉर्म. अभी क्या है, टी एम क्या है, आउटपुट है, टी एम आउटपुट है, तो टी एम को लिख दिया राइट हैंड साइड में. मल्टीप्लिकेशन में क्या है, के, तो के को लिख दिया बॉक्स में. आई ए क्या है, आई ए इनपुट जा रहा है, आई ए इंटू के इक्वल्स टू टी एम, ये इक्वेशन को हमने डायग्राम के इसमें लिख दिया. सो फर्दर डिस्कस करेंगे स्टेप थ्री. स्टेप थ्री क्या कहता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है.
तो ये इक्वेशन है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, टी एम इक्वल्स टू जे डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा एम, ठीक है, वेयर एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाय डी टी इक्वल्स टू ओमेगा एम। मतलब कि यहाँ पे दो, जैसे यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब डी थीटा बाय डी टी इंटू डी थीटा बाय डी टी, ऐसा दो बार होगा वहाँ पे। सो हम क्या कर देते हैं कि ओमेगा एम से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे जब जब यहाँ पे स्क्वायर था और हम इसे ओमेगा एम से रिप्लेस कर देंगे तो एक ही बार बचेगा। सो इसलिए क्या होगा, टी एम इक्वल्स टू जे डी ओमेगा एम बाई डी टी प्लस ओमेगा एम। फिर क्या करेंगे, जैसे हर बार करते आए हैं, हम फिर से लैपलस ट्रांसफॉर्म लेंगे इसका। तो इसका लैपलस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, टी एम का टी एम ऑफ एस जे इंटू, जैसे हमने डी बाई डी टी का लैपलस ट्रांसफॉर्म पढ़ा था, मल्टीप्लीकेशन में एस आ जाता है और जो भी टर्म रहती है उसे ओमेगा एस मीन्स एस के टर्म में हम डिनोट करते हैं, और ये तो वैसा ही आएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, टी एम ऑफ एस को लेफ्ट साइड में ही रखेंगे और यहाँ से ओमेगा एम ऑफ एस कॉमन ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, ये जो टर्म होती है ये, इसे हम जैसे कि फर्स्ट स्टेप में देखे हैं, इसे हम फिर से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे वो डिवाइड में आ जाएगा, ये टर्म नीचे आ जाएंगे ओमेगा ऑफ एस। फिर से वही बात, ये आउटपुट है तो आउटपुट राइट हैंड साइड में रहेगा, आउटपुट राइट हैंड साइड में रहेगा, और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये बॉक्स में जाएगा ब्लॉक डायग्राम में, और ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है तो ये इनपुट, इनपुट के साथ में ये मल्टीप्लिकेशन, और आउटपुट ओमेगा एम ऑफ एस। सो हम क्या देख रहे हैं, हर हर एक जो डायग्राम बन रही है, देखिए इसमें डायग्राम क्या बनी, आई ऑफ एस आउटपुट में है तो ये आउटपुट है तो ये इसका इनपुट बन गया आई ऑफ एस। फिर यहाँ पे टी एम ऑफ एस आउटपुट है तो यहाँ पे ये टी एम ऑफ एस इनपुट बन गया। मतलब हम स्टेप वाइज पूरी डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स स्टेप फोर पढ़ेंगे अभी। स्टेप फोर में क्या है, देखिए स्टेप फोर क्या कहता है, रिलेशन बिटवीन ओमेगा एम एंड थीटा एम फ्रॉम वेलोसिटी डी थीटा एम बाई डी टी इक्वल्स टू ओमेगा एम, जैसे अपन ने लास्ट स्टेप में देखा, थर्ड स्टेप में देखा। तो फिर क्या करेंगे, हम फिर से लैपलास ट्रांसफॉर्म लेंगे। लैपलास ट्रांसफॉर्म में देखो कि एस इंटू थीटा एम ऑफ एस, क्योंकि ये डी बाई डी टी का मैंने अभी बता दिया, एस मल्टीप्लीकेशन में आता है और जो भी टर्म होती है उसे एस से हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो ओमेगा एम ऑफ एस। फिर क्या करेंगे, हमें अभी क्या चाहिए, इसमें हमने क्या किया, ओमेगा एम ऑफ एस राइट साइड में आ गया था तो ओमेगा एम ऑफ एस इसमें क्या होगा, इनपुट होगा, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में ओमेगा एम ऑफ एस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ओमेगा एम ऑफ एस लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी पूरे टर्म्स राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो देखिए जैसे ये राइट हैंड साइड में जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है। तो फिर क्या होगा, जैसे यहाँ पे आउटपुट था, जैसे हमने यहाँ पे आउटपुट देखा ओमेगा एम ऑफ एस, तो ये वाले डायग्राम में ये आउटपुट है तो ये नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, इनपुट, इनपुट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ओमेगा एम ऑफ एस इसके साथ में ये ब्लॉक मल्टीप्लिकेशन में है और आउटपुट क्या है, थीटा एम ऑफ एस। ये होगी हमारी फोर्थ डायग्राम। और फिफ्थ में आता है स्पीड एंड बैक ईएमएफ का रिलेशन। तो ये क्या है, ई बी मतलब बैक ईएमएफ मोटर का और ओमेगा एम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम कुछ कांस्टेंट लेंगे प्रोपोर्शनलिटी को दिखाने के लिए, फिर हम इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म लेंगे। लैपलास ट्रांसफॉर्म देखिए कि ई बी का ई बी ऑफ एस के कांस्टेंट रहेगा, ओमेगा एस का ओमेगा एम ऑफ एस, ये फिफ्थ इक्वेशन हो गया। तो हम क्या करेंगे, तीन अपने जो तीन इक्वेशन बन गए थे, तीन इक्वेशन अपन टोटल इक्वेशन को सम अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये यहाँ तक अपनी फर्स्ट डायग्राम थी, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको, ये फर्स्ट डायग्राम यहाँ तक आई ऑफ एस, उसके बाद में अपनी सेकंड डायग्राम के एम से टी एम तक, ये देखिए ये सेकंड डायग्राम, फिर थर्ड डायग्राम देखिए टी एम से ओमेगा एम ऑफ एस तक, थर्ड डायग्राम देखिए टी एम से ओमेगा एम ऑफ एस तक, और ये जो फोर्थ डायग्राम देखिए, फोर्थ डायग्राम ये है और हमने यहाँ पे इसे भी ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, ये पूरी डायग्राम है। सो फिर हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, ब्लॉक डायग्राम को सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। हाँ
हम इसे सॉल्व करेंगे। मैं दिखा देता हूँ आपको, आ गया इसे, हम ये मल्टीप्लाई की ऊपर के ब्लॉक्स जो भी थे, ऊपर के ब्लॉक मल्टीप्लिकेशन में आ गए, हमें हमने इसे एक ही ब्लॉक में कन्वर्ट कर लिया, ये फीडबैक में रहेगा, फिर हम इसका फीडबैक पाथ सॉल्व करेंगे। आई होप आपको आता होगा, अगर नहीं आता तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो फिर हम जब ये फीडबैक पाथ सॉल्व करते हैं, फिर ये दोनों ब्लॉक्स फिर से सीरीज़ में आ जाता है, इसलिए ये मल्टीप्लाई होंगे एक मेक के साथ। तो देखिए ये मल्टीप्लाई हो गया, तो इसमें एस की टर्म यहाँ पे आ गई। उसके बाद में हम क्या करेंगे, आउटपुट बाय इनपुट, यहाँ पे थीटा एम ऑफ एस की टर्म है, तो आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट इक्वल्स टू ये, और ये जो रहता है ये ब्लॉक होता है। सो फिर क्या करेंगे हम इस ट्रांसफॉर्म फंक्शन के लिए, जो आरे होता है वो बहुत बड़ा होता है एल ए से, तो हम क्या कर लेंगे, एल ए की जो टर्म है वो निग्लेक्ट कर देंगे, मतलब ये क्या हो गया, ये निग्लेक्ट हो गया यहाँ से, तो क्या हो जाएगा फिर, ये हम टर्म जब लिखेंगे आरे डायरेक्ट ये नहीं आएगा, यही इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा। फिर क्या करेंगे लास्ट स्टेप में, कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आरे से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी, डिवाइड करेंगे, मतलब एक ही बात हो जाती है वो, उसके कारण आरे आरे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब हम डिवाइड करते हैं तो अब क्या आएगा, कि के एम डिवाइड, जैसे यहाँ पे हमने डिवाइड किया और नीचे भी हमने डिवाइड किया, तो के एम बाय आर ए को हम के टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो भी यहाँ पे टर्म है वो वैसे की वैसी रहेगी, हमने बेसिकली के टी पाने के लिए के एम बाय आर ए लिखा हुआ है। फिर हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, बस ख़त्म ही होते आ रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पेज पे देखिए कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करेंगे एफ से, जब हम डिवाइड करेंगे एफ डैश से, सॉरी, तब के टी बाय एफ डैश को, और यहाँ पे भी हमने डिवाइड किया है जे बाय एफ डैश इन टू एस प्लस वन बाय एफ डैश, हम सभी को एफ डैश से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एट लास्ट हमें ट्रांसफ़र फंक्शन मिलता है, के टी बाय एफ को हम के ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो भी बाकी बची हुई टर्म्स रहती है हम उसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और यही जो टर्म होती है ये होती है ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ डीसी मोटर, और इस मेथड को बोलते हैं आर्मेचर कंट्रोल मेथड। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी छोटी से छोटी क्वेरी रहती है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं श्योर उसका रिप्लाई दूंगा, और आपको कोई भी वीडियो चाहिए होगी किसी भी टॉपिक पे तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, उस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।